कैमरा में कैद पिछले 12 घंटे से इसी एरिया में फंसा हूँ। सारे दुनिया के गुनाह करते हो, सब करोगे, दूसरों के ऊपर उंगली, किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो ना, 3 उंगलियां आपकी तरफ हो रही होती हैं, वो देखा करो हमेशा। पहले कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। खुद कभी इन्होंने घर में नमाज नहीं पढ़ी होगी, बंदे को सफर में बोल रहे हैं नमाज पढ़। मेरा इस्लाम ना मेरे और मेरे रब के अंदर की बात है, मुझे लोगों को दिखा के नमाज़ें नहीं पढ़नी। फजूल में उठ के आए थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा है, नफ्सियाती लोग खुद हैं, दूसरों को आगे उंगलियाँ गई। किसी की याद आ गई मुझे। आप आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, टाइम हो गया निकले को यार, मुझे 12 घंटे हो गए हैं।
हटे का शो करने के लिए ना पूरी ज़िंदगी दे रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, अपना शहर छोड़ के आया हूँ, अपनी फैमिली छोड़ के आया हूँ एक फैन को, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें फिर तंग करती है ना कि इतना एफर्ट करो, इतनी मेहनत करो और लोग बस अजीब सी चीज़ें जज करते हैं, आपके ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं। हैदराबाद में इवेंट था 2019 में, अप्रैल में इवेंट था, शायद आप यूट्यूब करेंगे तो उसकी आपको क्लिप्स मिल जाएंगी। तो हम लोग सब आए थे ट्रेन में, उस ट्रेन में खटमल थे यार, तो मुझे ना मतलब ट्रेन से डर लग गया कि ट्रेन साफ नहीं होती। आपने मेरा मैसेज मेरी पढ़ा, मेरी लाइफ बेस्ट डे ये बताएगा मुझे। अबे तेरे से ज़्यादा गालियाँ दे दूँगा तुझे, किया क्या अपनी ज़िंदगी में तुम जैसे लोगों ने जो आके इधर गालियाँ दे रहे हो, सिर्फ कीबोर्ड के पीछे बैठ के गालियाँ देते रहोगे और उसी तरह उधर के पीछे ख़त्म हो जाओगे कहीं। कुछ करो, कुछ अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो जिन्होंने तुम्हें मेहनत की है तुम पे, कीबोर्ड पे बैठ के गालियाँ देने के लिए नहीं तुम लोगों को पढ़ाया। और जो कुछ कर रहे हैं ना तुमको अप्रिशिएट करो। ये बताएंगे मुझे मैं कौन, ग्रीन लाइन ट्रेन बेस्ट है, उसी में तो वापस गया था मैं भाई। प्लीज जस्ट इग्नोर देम, ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़बान ख़राब मत करें। मैंने लाइफ में कभी गाली नहीं दी पता है, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। मैच देखा यार, मैच मैंने ऐसे देखा कि मेरी जो पीछे जो फैमिली बैठी थी वो देख रही थी, तो मैंने उनकी बातें सुन के मैच देख रहा है। कायना शाह, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। यार ये फिल्टर तो अच्छा सा फिल्टर लगा, चलो ये फिर करते हैं। थैंक यू ब्रो, यू आर द बेस्ट। यार देखो मेरे अबू ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, जो जैसा उसको वैसा, जैसे को तैसा। मेरे से अच्छे रहोगे मेरे से इतना अच्छा कोई नहीं है, मेरे से बुरे बनोगे
यू आर सो क्यूट, माइंड को लाइव ले लें, सो रही होगी इस टाइम। लेकिन ब्रो बड़े बुरे की वजह से खुद को बुरा क्यों करते हो? नहीं बुरा उस वे में नहीं, मतलब होता है ना, इफ़ यू थिंक आई एम बैड देन आई एम योर डैड, लाइफ माही लाइफ पे है मेरी। अरे वाह यार माही, क्या कर रहे हो इस टाइम? लोग मुझे बता रहे हैं मेरी लाइफ पे हो, उनको कैसे पता चला? माही इसका मतलब आपकी लाइफ में भी कोई काम नहीं है मेरी तरह। तो क्या होगा, ब्रेक क्यों लगा रहे हो इतनी जोर जोर से? यू आर सो क्यूट नबील भाई, थैंक यू, आपकी आपकी लाइफ देख रही है। कैसे पता चलता है इन लोगों को कि माही मेरी लाइफ देख रही है? बस सो रही हूँ, बस में तो मैं सो रहा हूँ, आप जैसे बस में सो रही हैं? आप भी कहीं जा रही हैं क्या? आप भी घर जा रही हैं क्या? आप किधर जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। ओके बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नाइस टू मीट यू, हम मिले कब? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वालेकुम सलाम, आप किधर जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? जादू, आप मेरा नाम नहीं ले रहे, मैं आपसे नाराज़ हूँ भाई। क्या नाम है? मोश, मोश जी स्वीट। और बताएं माहिन क्या हो रहा है? काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, लास्ट किस दिन मिले थे हम? आई गेस 2-3 हफ्ते पहले जब मैं गेम शो पे आया था, राइट? और सब खैरियत है घर में? अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। EBH अबाउट शहज राज, रिप्लाई करें। शहज राज अच्छा बंदा है, रेस्ट कर रहा है, उसकी कमर में चोट आई हुई है, अल्लाह उसको जल्दी सेहत दे भाई। भाई माहिन अपना TBA तो लेती जाओ। माहिन ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसका विजन क्लियर है, ठीक है, और शी डोंट नीड एनीवन। वो खुद मतलब होता है ना कि किसी को कुछ बनने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, शी डोंट नीड एनीवन, वो खुद जो बनना चाहती है वो बन सकती है, और बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल है। नबील भाई जवाब दे दो, किस चीज़ का जवाब दे दूँ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे हो, थैंक यू, शुक्रिया। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कराची आया था ना, तो शी इज़ द फर्स्ट वन जिससे मेरी मतलब दोस्ती हुई थी। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड? मरियम शहजाद। आपने अपनी सिस्टर को भी इग्नोर कर दिया? यार क्यों इग्नोर करूँगा? और ना देखें, माशाल्लाह दोनों बहनें हैं मेरी, इधर मरियम भी है और माही भी है, तो मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। से माई नेम प्लीज़, सुमन। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? दो बच्चे हो जाए बस काफ़ी। मैं लाइफ में यार बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने ड्रीम्स के लिए घर से निकला हूँ मैं। बेस्ट फ्रेंड, वाह, अरे रास हो जा यार। देखें बहुत सारे लोग हैं बोल के शोज़ में जो आते हैं, जो कराची से ही हैं। मैं एक स्ट्रगल लाइफ जी रहा हूँ, मतलब अपना घर छोड़ के आया हुआ हूँ, सरवाइव कर रहा हूँ। रोज़ एक नई जंग होती है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। कुछ बनने के लिए निकला हूँ घर से, और बाकी लोग मतलब हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ, हर कोई कुछ बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहा होता है। आप वो नींद नहीं आ रही? नींद आ रही है पर सोया नहीं जा रहा। मेरा जुबैद पर दिल आया
आ गया ना। क्यों भाई, क्या मैं आपको इतना दिल फेंक लगता हूँ? मैं कैप्टन मार्वल बना जो बनना चाहती हूँ। इस तरह तो फिर मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, नहीं तो भाई इक्रस बनना चाहता हूँ, नया सुपरमैन, मार्वल का सुपरमैन। धीरज आपकी क्या लगती है? धीरज मेरी दोस्त है, माइंग की बड़ी बहन है, माइंग भी मेरी दोस्त है, बहन है छोटी। कब पहुंचेंगे? अभी तो 5-6 घंटे और लगेंगे। इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स मुझे इस फील्ड में, मतलब हर बोल रहा हूँ ना, हर किसी की डिफरेंट जर्नी है। मैंने भी बहुत टाइम दिया है इस जर्नी में। तो जब मैं आया था मैंने सोचा था क्योंकि ये वो फील्ड है कि नाम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है आपका, आपकी सारी मेहनत एक दिन में ख़राब हो जाती है। तो मैं मस्ती करूँगा, मजाक करूँगा, लेकिन दिल फेंक हरकतें नहीं करूँगा। अच्छी बात है ना, आपको नींद नहीं आ रही, हमें आपसे बात करने का मौका मिल गया। आप मेरा नाम ले लें, MOHS, क्या नाम है यार आपका? खुश रहो पाकिस्तान, कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है भाई, अच्छा जा रहा है। हे नबीन भाई, मुझे भूल गए हैं लगता है। नहीं नहीं भाई, भूलता नहीं हूँ। इन्जॉय योर एवरी मोमेंट ब्रो, पहले वाला नबील कहाँ गया? यार पता है क्या, पहले वाला नबील वही है, लोगों के बिहेवियर की वजह से मैं अब थोड़ा सा क्लोज्ड हो गया हूँ, क्योंकि लोग मस्ती मजाक को पता नहीं समझते हैं कि दे थिंक के पता नहीं मैं उनके साथ क्या, वो खुद को लोग पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट सब स्टार बन गए हैं, ठीक है, और सबके स्टार टेंट्रम्स शो होते हैं, तो मुझसे मैं वो हूँ नहीं, मैं नेचुरल हूँ, जैसा पहले दिन था मैं वैसे ही अब हूँ, तो बस यही बात है। तो फिर मैं जो स्टार टेंट्रम्स शो करते हैं फिर मैं उनसे थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ब्रो आप किधर गए हुए थे? यार मैं बस कहीं गया भी हुआ था, कहीं जा भी रहा हूँ, आई लॉस्ट समवेयर बिटवीन। बाकी रही बात, आजकल बहुत सैड सैड रहते हो, सैड सैड यू आर इन्फॉर्मिंग मी, क्या इन्फॉर्मिंग भाई? IQ ब्लॉग बेस्ट होते हैं, थैंक यू। कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, आजकल व्यूज़ थोड़े ब्लॉग्स के नीचे गए हुए हैं। खैर नींद बहुत आ रही है, मेरा नाम ले लो, क्या नाम है? दुआ भाई, आप सैड क्यों हो? सैड नहीं हो यार, बहुत थका रहता हूँ मैं उसमें। मोहब्बत एक से होती है ना, हर किसी से, हर किसी पे दिल नहीं आता ना। डिटेल में बताओ, मतलब अच्छी तरह जानते हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई? सो जाओ, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है।
एज अबाउट फैसल भाई. फैसल भाई इज़ अ टीचर टू अस, फैसल भाई इज़ अ गाइड टू अस. वो अच्छी बातें भी सिखाते हैं, फिर वो इस इंडस्ट्री में जो बुरी बातें उनसे बचना कैसे वो भी सिखाते हैं, हर वे में सपोर्ट करते हैं. मैं अभी बल्कि परसों का दिन मुझे याद है, फ्राइडे का एपिसोड जो था, मैं तकरीबन मोर देन वन एंड हाफ ऑलमोस्ट आर और सो के लिए मैं उनके पास बैठा हुआ था और हम दोनों अकेले थे. आजकल सैड रहने की वजह क्या है, सैड रहने की वजह तो निकी तलाल कौन, तो मैं तकरीबन मोर देन वन एंड आर के लिए उनके पास बैठा हुआ था. हम दोनों अकेले ही थे रूम में, चेंजिंग रूम में, तो बातें कर रहे थे ऐसे ही. तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि असल में समटाइम ना मैं सोचता हूँ कि बहुत प्राउड फीलिंग है कि मतलब आपके साथ, आपके मतलब आप बैठे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ. ड्रीम्स अचीव हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है. अभी और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, इंशाल्लाह अचीव करेंगे. तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पोलाइट हैं, मूड उनका हर टाइम फ्रेश रहता है. और अगर हम कुछ गलती भी कर जाते हैं फौरन मतलब वो माफ़ कर देते हैं, बड़ों की तरह, एक टीचर की तरह. मतलब ये नहीं कि यार कि दिल में कोई बात रख ली या कुछ बुरी लग गई. हम बच्चे हैं छोटे, तो कुछ गलत कर जाते हैं, कभी कुछ गलत बोल जाते हैं, तो फौरन हमें उसी टाइम माफ़ कर देते हैं. अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. नहीं नहीं मैं अकेला हूँ भाई, पहले की तरह एक्टिव हो जाओ, सैड ना हो. होंगे होंगे, हर चीज़ का एक वक्त होता है, इसका भी एक वक्त है. ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है, ये लाइफ है. एक दिन बुरा वक्त भी गुजर जाएगा भाई. प्लीज़ नाम ले लो अली. वक्त की यही तो, वक्त की यही तो खूबसूरती है, ना अच्छा रहा तो ना बुरा भी नहीं रहेगा. बाकी नथिंग सैड. एनी योर ड्रीम कम्स भाई. आपकी मदर की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ गुड. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और कुछ काम नहीं है? नहीं है भाई, लेकिन देखो फिर भी तुमसे ज़्यादा ही मतलब काम है मेरे पास कि मैं लाइव हूँ और तुम मुझे देख रहे हो. और क्या होगा, मेरी कितना कितना खुशकिस्मत हूँ मैं यार. भाई आप निकी को निकाह में क्यों नहीं गए? यार निकी के निकाह में मैं इसलिए नहीं गया था, मुझे डेट भूल गई. मुझे लगा था उसने डेट बताई थी, मुझे लगा था नवंबर की डेट है. मैं घर में सो रहा था उस टाइम, क्या करूं मैं. फ़ियाज़ को सलाम. फ़ियाज़ को भी सलाम दे देते हैं. प्लीज़ से माई नेम जैनब. फ़ियाज़ को सलाम दीजिएगा. क्या हुआ? भाई जी किधर हो? हम इधर ही हैं सर. हमने कहाँ जाना है? वेडनेसडे को आ जाएंगे, अच्छा खेल लें. पर धोखा मिलेगा वेडनेसडे को, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी से. माई नेम इज़ फजर, अच्छा नाम है. फ़ियाज़ भाई के साथ लाइव आना. आ जाएंगे, ज़रूर आ जाएंगे भाई. नाम ले लो हमज़ा. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह है. दोनों के जोड़ी बहुत प्यारी है. किसकी? दोनों की. तो आपको फ़ियाज़ भाई ने नहीं, तो आपको फ़ियाज़ भाई ने नहीं था बताया निकाह पर जाने का? यार वो ऑब्वियसली उन लोगों को सबको लगा होगा क्योंकि मुझे पता है, उस वे में थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन और सब कुछ एक ऊपर नीचे हो गया. मुझे यार लगा था नवंबर में, वही डेट में नवंबर की समझ रहा था, पर वो अक्टूबर में था. कैसी बात है फ्रेंड्स,
कि निकाह को भूल गए, मैं बोल रहा हूँ ना, नवंबर में लगा था मुझे, मुझे डेट याद थी, पर मुझे लगा था कि नवंबर की डेट है। आप कितने सिबलिंग हैं? हम तीन सिबलिंग हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। नहीं, टिकटॉक पर नहीं है।